गर्मी ले पियो के ले लाई हूँ। कोई आया था के? तारा चेहरा इतना जग सफेद क्यों हो गया? कौन आया था? मम्मी जी को आधी अधूरी बातें नहीं बता सकती। जब तक मैं प्रियंका से पूरी बात ना जान लो, मम्मी जी से इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, वो आज ऐसे ही मन हो रहा था कि आराम से बैठ के चाय पीऊं और साथ में मटरी भी खाऊं। तो खा बैठ के, फिर मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। राम राम सर। कौन हो ऐसा? जी मैं हसमुख ज्वेलर। रोते हुए भी आते सा तो मारे को गहने ना बनवाने। जी आप गलत समझ रही हैं, मैं अपनी बिल बुक भूल गया था, वही लेने आया था। जूही जी को मेरी तरफ से माफी कहिएगा, चलता हूँ। राम राम। राम राम सर। झूठ बोले तरुण, जिसने हमेशा प्रियंका को एक गंवार समझा, कभी इज्जत से देखना तो दूर, उसके लिए थोड़ी भी हमदर्दी तक नहीं दिखाई, वो प्रियंका को रिंग क्यों देगा? तरुण ने, वो तो प्रियंका थी ना, जिसके मन में तरुण को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था। तरुण तो रति के प्यार में अपने सबसे खास रिश्ते तक को भुला चुका है, और दोनों साथ खुश भी दिखते हैं। फिर अचानक तरुण प्रियंका में इंटरेस्टेड कैसे हो गया? चल क्या रहा है ये सब? मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? जवाब। मतलब? ये चाल रहे, कुसुम कोठारी के घर सुना रहा है और कुसुम कोठारी ने खबर नहीं। कैसे? वो मम्मी जी, बात दरअसल ऐसे, कहे बात, आज तक मैंने, सुमेध ने या तूने खुद कदे अपने लिए गहने गांठे बनवाने में कोई कमी ना की, ना थारे को किसी ने रोका अपने लिए कुछ बनवाने से। तो मैं सोचूं कि आज थारे को मारी नियत में ऐसी कौन सी खोट नजर आ गई कि तुम मारी पुतली को ओलझड़ करके इस घर में सुनार बुला ले आई। मारा तो थारे पे भरोसा था कि मारी भींद्रणी ना कदे झूठ बोले ना बुलवाए, मारा तो भरम टूट गया। मारे तो अकल पे सवाल खड़े हो गए कि ऐसा कद हुआ कि मैंने थारे को किसी भी चीज को करने से मना किया था, जो मैं आज करती हूं। बिंदनी, जिंदगी में ना कुछ कुछ भरम टूटने जरूरी हो गए। मम्मी जी पियो, घर के काम में जरा हाथ बटाना सीख। पानी दे। जल्दी कर, जल्दी कर, धीरे धीरे डाल बीच में। इसे कहती हूँ बात कराने के लिए कुछ मुझे से। माँ का फोन। हाँ माँ बोल। जूही क्या हुआ, तेरी आवाज भारी भारी सी लग रही है, क्या बात है? नहीं तो सब ठीक है। तू बता,
झूठ मत बोल। तू जानती है ना तेरी आवाज से पहचान लेती हूँ तो ठीक है कि नहीं, जैसे तू मेरी आवाज से। अब बता क्या हुआ। नहीं माँ, वो किचन में खाना बना रही हूँ ना, और दुकान पे भी आज बहुत काम था तो शायद थक गई हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सब ठीक है। अच्छा बता, तूने क्यों फोन किया? ऑफिस के टाइम पे कम फोन करती है ना। ये परेशान है और मुझे बता भी नहीं रही है, इसे अपनी परेशानी में नहीं उलझा सकती। नहीं, ऑफिस में काम कम था तो सोचा तुझसे बात कर लूं। चल घर आकर आराम से बात करते हैं। ठीक है। सुन लिया, माँ से कोई बात ना छिपे। माँ तो टाबर की आंखियां देख के समझ ले कि टाबर की आंखियां रोने से लाल हैं या सोने से, छुपा के कोई फायदा ना हो। मम्मी जी वो मैं कर ले शिकायत अपनी माँ से, मैं ना डरूं, झूठ बोलेगी डांट खाएगी। मारे आगे भगवान जी भी आ जाए ना तो मैं उनकी भी क्लास लगा लूं, जब तक चार बातें उनको ना सुना दूंगी ना मारे पेट में बुड़बुड़ाहट मची रहेगी। कर ले चुगली चांटे अपनी माँ से, अरी माँ बहुत समझदार है। मैं लोगों को मैं झूठ बोलने की एक बार छूट दे दूं ना तो आदत डाल लोगे, और जेक को सुन को ठारी होने ना देगी। माँ को बताऊंगी तो वो भी डांटेगी, उसने भी हमें कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया मम्मी जी। हाँ जानो जानो, हरी माँ तो सुना है। पर एक बात बता छोरी, अरे पे आजकल कौन से गुरु की कृपा है जो तू तो झूठ बोलन लाग गई। प्रियंका, मम्मी जी अपनी बहू से मिले झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो सोचो जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी बेटी ने उनसे झूठ कहा उन्हें कितना दुख होगा। माँ दालचीनी का पानी रख दे। मम्मी जी को दालचीनी वाला गर्म पानी दे दिया? दे दिया। कुछ कहा उन्होंने? जूही नहीं लाए पानी, हमेशा वही पानी लाती है ना। क्या बात है कुसुम जी, कुछ हुआ है? क्या बात है? कुछ ना, बंद कर। खुद कुसुम जी को दालचीनी वाला पानी क्यों नहीं दिया? बेटा ऐसी छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को करीब लाती है, इसी बहाने तो अपनी सास की जरूरत को देख सकती थी कि उन्हें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है। अब वो खुद तेरे कमरे में रात को आकर कुछ पूछना कुछ बताना नहीं कर सकती है ना। जूही कितनी भी बिजी क्यों ना, अपने सास के लिए ऐसे मौके तलाशते रहना। माँ जाना तो मैं खुद चाहती थी, लेकिन मम्मी जी के सामने जाके मैं उनका गुस्सा और नहीं बढ़ाना चाहती। क्यों, हुआ क्या है? मम्मी जी मुझसे नाराज हैं, मैंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो तू जाकर बात करना, गलती हुई है तो माफी मांग, मना ले उन्हें, ऐसे थोड़ी ना उनके सामने जाना छोड़ देगी। बेटा बड़ों की नाराजगी में उनका प्यार झलकता है, दिखाता है कि आप उनके कितने करीब हो जो उनका दिल दुखा सके, वरना कुसुम जी को किसी बाहर वाले की बात का क्या फर्क पड़ता है। तो सही कह रही है, देखा आज भी तेरी एडवाइस के बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। चल माफी मांग। ठीक है।
से मेरा हक मत छीनिए मम्मी जी, आप क्लास मेरे हाथ से ही लेंगे प्लीज। माफ कर दीजिए, I'm so sorry मम्मी जी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ आज से, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी, प्लीज प्लीज छोड़ 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 छोड़। नहीं माफ कीजिए, नहीं तो पूरी रात ऐसी बैठी रहूंगी, मेरा दम घुट जाएगा। तो फिर आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं छोरी थारी, काय खाके पैदा किया था इसको, जैसी है अब आप ही की है। बिल्कुल मम्मी जी, जैसी हूँ आप ही की हूँ, आप माफ करिए नहीं तो मैं रात भर ऐसी रहने वाली हूँ। ऐसे पकड़ के आपको जबरदस्ती की माफी चाहिए तो ले ले, माफ कर दिया। जबरदस्ती नहीं, सच्ची माफी। अरे मैं मर जाऊंगी, मरने के बाद माफी लेगी काई? ऐसे मत बोलिए। मारी माँ छोड़ बाबा, माफ किया थारे को। पक्का? हाँ सच्ची वाला। थप्पड़ खाई पीछे। मम्मी जी आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती है, एकदम सोना सोना सा हो जाता है, घर काटने को दौड़ता है। मारे को पटा रही है? पटा नहीं रही हो सच्ची, एकदम सोना सा हो जाता है। ये बोलना चाह रही कि मैं बहुत शोर मचाऊं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।